इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ शाहिद भाई के साथ और उनके कजिन है तौसिफ भाई एंड वी गॉट द लिटिल चैंप। उसका नाम क्या है? ये आजान। आजान और ये बस ऐसे यहाँ पे टाइम पास करता है, टाइम पास है, दुकान वकान देखता है, टाइम पास करता है। स्कूल है आज? नहीं, ऑनलाइन चालू है। कौन सी क्लास में हो? कोरोना की वजह से बिगड़ गए सारे बच्चे बस। तो क्या बताने वाले हो? तो मैं आज आपको शहद के बारे में कुछ मालूम देना चाहूंगा। जी, ये जो आप शहद देख रहे हो, तो दो दो तरह के अपने पास रखे, एक वन इज नॉर्मल हनी, द अदर वन इज एकेशिया। एकेशिया होनी है, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? ये व्हाइट होनी है एकेशिया होनी। एकेशिया होनी क्या होता है, ये कश्मीर में एक पेड़ पाया जाता है, कांटे का पेड़, जिसको हम बबुल बोलते हैं। बबुल का पेड़ होता है, उसमें बस कांटे होते हैं, व्हाइट फूल का होता है वो, उसमें बस साल में एक बार व्हाइट फूल निकलता है। ठीक है, बिना फल का वो पेड़ होता है। तो हम सीजन में अपनी कॉलोनी वहाँ पे रखते हैं और वहाँ से व्हाइट होनी कलेक्ट करते हैं। ये जो व्हाइट होनी, इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता है, वेट रिड्यूस करता है। तो आपके पास है हनी बी कॉलोनी? हाँ, मेरे पास है कॉलोनी, अपना फार्म है मेरे पास। तो आपको विजिट करवाता है, बट यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको विजिट कराऊंगा। तो ये जो होनी है ऑर्गेनिक होनी है, इसको आप फ्रिज में रखोगे, ये फ्रिज भी नहीं हो जाएगा, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और ये वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर पे ये होनी पाया माना जाता है, फिफ्थ नंबर पे वर्ल्ड में। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आप ये फिफ्थ नंबर पे ये वाला शहद आता है, पाँचवें नंबर पे ये वाला शहद आता है वाइट होनी। तो अब आप बोलोगे इसका कलर चेंज क्यों, ये भी तो शहद है। ये मल्टी होनी है, इसमें बहुत सारे फूल मिक्स। जब हम सीजन में अपनी कॉलोनी रखते हैं किसी गार्डन में, तो वहाँ पे येलो फूल भी होता है, रेड फूल भी होता है, तो बहुत सारे फूल मिक्स रहते हैं। और जो हमारी मक्खियाँ होती है वो उस पर भी बैठते हैं, इस पर वहाँ से कलेक्ट, जी सर, वहाँ से कलेक्ट करती है। मल्टी होनी है, ये मल्टी होनी है, ये वाइट होनी है। तो ये है व्हाइट हनी, ये एक ही एक ही एक ही फूल का है, व्हाइट फूल का है, और ये मल्टी, इसमें बहुत सारे फूल का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा एडवांटेज खाने पीने में किस में है? व्हाइट हनी, व्हाइट हनी में। क्या एडवांटेज है शहद खाने का और कैसे खाना चाहिए इसका? आपको शहद देखो, आप ये ब्रेड पे भी एज मतलब जैसे जाम यूज करते हैं वैसे खाइए। सुबह आप गुनगुना पानी में डाल दो तीन चम्मच, हर पेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल, फायदे फायदे की बात करेंगे शहद, हम इसमें चेहरे पे भी लगाते हैं इसको, बिल्कुल भी डालते हैं, आंखों को भी साफ करता है, और जो ये चेहरे का जो ये भी साफ करता है, इंप्योरिटी से। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर किसी का पेट ज्यादा बाहर हो, ये सुबह मॉर्निंग में खाए, वेट भी कम करता है। और इसमें हमारे इस्लाम में बोलते हैं इसमें शफा है शहद में, इसमें बहुत सारी मतलब जो बीमारी उनके लिए इलाज है। बिल्कुल। कितने का आ जाएगा ये आपको पड़ेगा? मेरे पास अभी तो इसका रेट चल रहा है 1000 रुपीज पर केजी, बट मेरे पास आपको पड़ेगा 850 पर केजी, 850 रुपए पर केजी। ये आधे किलो का डब्बा होगा? ये आधे केजी का, आधा केजी का डब्बा है जी, 425 रुपया। हाँ, 425 425 रुपए, 425। और ये जो दूसरा वाला हनी है वो ये आपको पड़ेगा 650 किलो है। हाँ, 325 का, हाँ, आधा किलो, 325 का आधा केजी। ये जो है आपको कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल करा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हर एक जगह नहीं है इंडिया में, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप कमेंट में मत पूछिए कि यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, क्योंकि मुझे नहीं पता। जहाँ जहाँ होगी तो मैं कस्टमर को बोलूंगा वहाँ पे अवेलेबल है। लोगों के लिए कर दूं, लोग क्या करते हैं कमेंट में पूछते हैं। देखिए, ये हर बार जाके कमेंट नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमने नंबर दिया है ताकि आप डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप पर कॉल कॉन्टेक्ट कर सको। बिल्कुल, यूट्यूबर बता नहीं सकेगा आपको डिलीवरी कहाँ पे है, ये इनका डिलीवरी एजेंट लेट यू नो। सही, ठीक है, तो आप कमेंट में ना पूछिए, डायरेक्टली गेट इन टच विद देम, विल बी ग्लैड टू। और अगर आप ऑर्डर करते हो यहाँ से, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताओ। जब होता है कभी कभार 100 बार डिलीवरी आपने किया, 100 में से 99 लोगों को अच्छा गया, वो 99 लोग आपके कमेंट नहीं करते। देखो, मेरे ख्याल से जिसको अच्छा नहीं, देखो देखो वो कमेंट, वो कमेंट करेगा, बुराई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी सैटिस्फाइड कस्टमर भी है उनसे भी बोलिए कि आपके अपना रिव्यू दे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले कि भाई दे आर सैटिस्फाइड और जेन्युइनली आपको मिलता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी यही कोशिश रहेगी, मैं सबसे ज्यादा अभी फोकस करूंगा जो हमारा कोरियर है ना, कोरियर सर्विस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। क्योंकि देखो कस्टमर क्या बोलता है, भाई कितने दिन में मिल जाता है वैसे, अगर कोई शहर में, हैदराबाद या हैदराबाद भेजता हूँ, मुंबई भेजता हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह 1 वीक में डिलीवर हो जाता है। देखो ये तो 2-4 दिन में पहुँच जाता है, बट हब में फिर दूसरे हब तक चार्ज कितना है आपका? इसका 100 रुपया पर केजी बायर, हर एक जगह अलग 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 है, अलग 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 है। अभी थोड़ा बहुत लेट लेट क्यों होता है फाद भाई, मैं आपको बोलूंगा, ये 2-4 दिन में हब में पहुँचता है। फिर हब में क्या होता है, कभी संडे आता है बीच में, तो संडे को कोरियर बॉय डिलीवरी नहीं कर सकता, या कोरियर बॉय का तबियत खराब हो गया या कुछ कुछ इश्यू आ गया, तो इस वजह थोड़ा बहुत डिले होता है, बट ऐसे 1 वीक में डिलीवर हो जाता है। ओके, 1 वीक में डिलीवर हो जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।